ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान और बुद्धिमान हैं, क्योंकि स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आया है। रोज ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमारी झोलियां भर रहा है। याद रखेंगे, जो आत्माएं जितने ज्ञान रत्न यहाँ धारण करती हैं, ये ज्ञान रत्न सतयुग में जाकर हीरे जवाहर रातों में बदल जाते हैं। यहाँ का ज्ञान का भंडार वहाँ स्थूल धन संपदा का भंडार दिला देता है। तो जिन्हें बहुत धनवान बनना है, वो यहाँ ज्ञान रत्नों से माला माल बने, ज्ञान रत्नों का दान करें, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ये ज्ञान रत्न किसी मनुष्य के मन को अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलते हैं। युगों से हम भगवान से कहते थे, हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब वो अंधकार मिटाकर प्रकाश में ले चल रहा है, तो हमें चलना चाहिए या नहीं? नहीं तो हम गायब ही करते रह जाएंगे और प्रभु जी जग को प्रकाशित करके चले भी जाएंगे। तो ज्ञान रतन स्वयं भगवान दे रहे हैं, उनसे स्वयं को भरपूर करते चले। और इन ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर वही कर सकते हैं जो प्रतिदिन ज्ञान मुरली का श्रवण करके उस पर विचार मथन करते हैं। रोज बाबा हमें सुंदर से सुंदर बातें बताते हैं मुरली में, हमें स्मृतियां दिलाते हैं, हमें जगाते हैं, भगवान हमसे बात करते हैं, हमारे नैन खोलते हैं, हमारे दुख हरते हैं, हमें सुख प्रदान करते हैं। तो समय निकालकर रोज मुरली सुनने अवश्य जाना चाहिए। घर में पढ़ लेना अलग बात है, सेंटर में जाकर मुरली सुनना इसका ही परम महत्व है। बहुत अच्छी स्थिति में बैठकर अच्छे वाइब्रेशंस में अच्छा अभ्यास करते हुए यदि हम मुरली का श्रवण करते हैं, तो मुरली हमें सहज ही धारण हो जाती है और ये ज्ञान रतन हमारे चित्त को प्रकाशित करते रहते हैं। हमारा अंदर का ज्ञान मिटता रहता है। विकारों ने जो काली छाया हम पर डाल दी है, उससे हम मुक्त होते रहते हैं। इसके महत्व को जानकर इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो भगवान पढ़ाने आया हो और हमारे पास पढ़ने जाने की फुर्सत भी ना हो, ये बहुत बड़ी अवज्ञा होगी। ऐसा करने से ईश्वरीय बल उस मनुष्य को नहीं मिलेगा, ईश्वरीय अनुकंपा का अधिकारी वो मनुष्य नहीं बनेगा। क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, यदि तुम्हारा बाप से प्यार है तो तुम्हें उसकी मुरली से भी प्यार होना चाहिए, उसके यज्ञ से, उसके कर्तव्य से भी प्यार होना चाहिए और उसके परिवार से भी प्यार होना चाहिए। यदि तुम दिल से कहते हो बाबा तो मेरा है, परंतु मुरली से प्यार नहीं रखते, तो बाबा ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज से ज्ञान चिंतन के द्वारा अपने को ज्ञान रत्नों से सजाने का संकल्प करें। इसके लिए मुरली की सुंदर बातें रोज लिखें भी और उन पर विचार भी करें। आप ये ना कहें मेरा तो ज्ञान मनन चलता नहीं, मन की नेचर ही है मनन करना। आप शुरू करेंगे तो अनेक सुंदर विचार आपको आते रहेंगे और ज्ञान मनन से जो मक्खन निकलकर बुद्धि में समाएगा, एसेंस रूप से वो बुद्धि को दिव्य बनाएगा, बुद्धि की शक्ति का विकास करेगा। तो इस तरह स्वयं को ज्ञान के भंडार से प्रतिदिन भरते भरते हम माला माल हो जाएंगे। आज सारा दिन याद रखेंगे, बाबा सामने खड़ा होकर हमें कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो स्वयं विचार करेंगे, सुनेंगे। और आज सारा दिन
बाप दादा का हर घंटे में एक बार आह्वान करेंगे और फील करेंगे उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, उनके वरदानी हाथ की छत्र छाया मेरे ऊपर है। ओम शांति।